हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम प्रूव करने वाले हैं थ्योरम 6.5 या इसको SAS सिमिलैरिटी भी हम बोल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दी है और इसको पढ़ते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि अगर मैं यहां पे मार्किंग करना शुरू करूं कि अगर मेरे पास सपोज करो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के बराबर है और ये साइड इसके साथ प्रोपोर्शन में है और ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के साथ प्रोपोर्शन में है, तो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होनी चाहिए, इसका स्टेटमेंट का ये मतलब है। और जो हमें यहां पे गिवन था मैंने लिख दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है और ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ है और प्रूफ करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो कंस्ट्रक्शन यहां पे आपको पता ही है जैसे हमें करनी पड़ती है। तो यहां पे मैं पी पॉइंट ले लेता हूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम और यहां पे लिख देते हैं क्यू। और कंस्ट्रक्शन के अंदर साथ में ही यू नो दैट कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज विद द ग्रीन पेन, मैं यहां पे ग्रीन पेन यूज करता हूं और यहां पे हमने लिखना है ड्रॉ अ लाइन सच दैट, ड्रॉ लाइन पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है सच दैट कि ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाए डी पी के बराबर एंड ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाए डी क्यू के बराबर। तो ये तो होगी हमारी कंस्ट्रक्शन, ग्रीन पेन का काम खत्म। अब हमें बात करनी है प्रूफ की। तो प्रूफ को अगर हम यहां पे देखें तो उसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जब हम प्रूफ करने की बात करेंगे तो प्रूफ करते समय हमें यहां पे क्या लिखना है कि जो गिवन है उसके अंदर है हमारे पास ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ठीक है, ये हमें गिवन था। अब एज वी नो दैट ए बी किसके बराबर है डीपी के बराबर है और ए सी किसके बराबर है डी क्यू के बराबर है। तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन यहां पे आ जाएगा डीपी बाय डीई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ, ठीक है। तो यहां पे हमने ये चीज ले ली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास यहां पे क्या आ गया ध्यान से देखो, डीपी बाय डीई है और डी क्यू बाय डी एफ है, बट हमें यहां पे चाहिए डीपी बाय पीई और डी क्यू बाय क्यू एफ सो दैट की पी और क्यू पैरेलल प्रूफ कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे यहां पे इन्वर्सिंग। तो उल्टा हो जाएगा डी ई ऊपर चला जाएगा और डी पी नीचे आ जाएगा और यहां पे डी एफ ऊपर चला जाएगा और डी क्यू नीचे आ जाएगा। अब यहां से दोनों साइड पे हमें करना है -1। अब इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर दोनों जगह पे हम -1 लेते हैं, बिकॉज इधर से भी -1 किया उधर से भी किया तो फर्क तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पे हम लेंगे एलसीएम यानी कि डीई माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डीपी इज इक्वल टू डीएफ माइनस डीक्यू डिवाइडेड बाय डीक्यू। अब डीई में से ध्यान से देखो डीई में से अगर हम dp माइनस कर देंगे तो बचेगा pe, सॉरी आवाज के लिए। तो अब df में से dq माइनस करोगे तो बचेगा qf, तो अगर आप इसको दोबारा से इन्वर्स करोगे तो dp ऊपर आ जाएगा और pe नीचे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा dq बाय QF और यहां पे लिख दो इन्वर्सिंग के कारण आया, ठीक है। अब DP by PE is equal to DQ by QF आ गया यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे तो हेंस यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, लू से लिख देते हैं कि PQ will be parallel to EF, यानी कि
एंगल पी किसके बराबर होगा एंगल ई के, एंड एंगल क्यू किसके बराबर होगा एंगल एफ के। सो पी ई के बराबर आ गया, क्यू एफ के बराबर आ गया। तो यहां पे बना भी देते हैं कि ये जो पी है ये ई के बराबर आ गया और ये जो क्यू है ये एफ के बराबर आ गया। ठीक, अब अगर बात करें ट्रायंगल्स की, नाउ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी किसके बराबर है डी पी के, और ए सी किसके बराबर है डी क्यू के, और एंगल ए किसके बराबर है एंगल डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम ये देखेंगे कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि एंगल बी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल पी, और एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू। बट अगर ये वाली इक्वेशंस देखें और इसको मैच करें तो हमारे पास एक ऑल टुगेदर न्यू इक्वेशन जनरेट होती है, जिसे हम ग्रीन पेन से लिख देते हैं कि अगर देखो बी पी के बराबर है और पी के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और मजे वाली बात यह है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन था, तो उसको ब्लैक से लिख देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ए एक डी के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी एफ के बराबर है, एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए ए ए सिमिलरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि इस थ्योरम को प्रूव करना बहुत ही आसान था, जैसे कि आपने देखा कि ज्यादा मैथमेटिकल वर्क भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से ट्रिक्स हैं कि कहां पे आपको माइनस वन लेना। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको यहां पे सबसे पहले प्रूफ करना था पी क्यू इज पैरेलल टू ए एफ सो दैट पी इसके बराबर आ जाए और क्यू इसके बराबर आ जाए, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बी इसके इक्वल ले लिया सी इसके इक्वल ले लिया। तो जब आपने ये दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन किया तो बी एंगल इसके बराबर आ गया सी एफ के बराबर आ गया, तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। सो बेटा इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो और हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।